हरियाणा के करनाल के शुगर मिल में जबरदस्त हादसा हो गया है और जिसमें दो कर्मचारी बुरी तरह से जलकर घायल हो गए। दरअसल यह हादसा तब हुआ जब एक पाइपलाइन जो जाम पड़ी थी उसको खोलने के लिए कर्मचारी काम कर रहे थे। जैसे ही पाइप के वॉल्वो को खोला गया तो उसके अंदर रखा पानी प्रेशर के साथ बाहर निकल गया और पानी जो कि काफी ज्यादा गर्म था और गर्म पानी एकदम से दोनों कर्मचारियों के ऊपर गिरता रहा। दोनों के हाथ जल गए और भी कई जगह पानी गिरने की वजह से वे घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है और वहीं उनकी हालत खतरे से बाहर है। मैं जैसे सीजन चला हूँ तो मील रूटीन में चल रहा है तो एक हॉट वाटर की पाइपलाइन है उसके अंदर पंप में कुछ फॉल्ट आ गया था। तो जैसे पंप को खोला तो जैसे हॉट वाटर का थोड़ा सा प्रेशर था, खोलते टाइम थोड़े से छींटे उनके हमारे वर्करों के ऊपर डल गए, लेकिन ये है जैसे ही उनके ऊपर वो पानी डला बचाव हो गया। हम साथ के साथ उसको आगे यहाँ कल्पना चावला में ले आए, डॉक्टर साहब से बातचीत हुई है, फिलहाल ठीक है, कह रहे हैं भाई जल्दी उनका ट्रीटमेंट हो गए अपना कर जाए। वहीं शुगर मिल में इस घटना को लेकर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हादसा लापरवाही के चलते हुआ है।